स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। मैं हूं अमन दायल और ये जो जगह आप देख रहे हो ये है अमृतसरी कुलचा पॉइंट, जो कि नोएडा के सेक्टर 75 में लोकेटेड है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके गूगल मैप की लोकेशन से और बड़े आराम से यहां पहुंच सकते हो। पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है भैया, काफ़ी लंबी चौड़ी मार्केट है, तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो गाड़ी अपनी आराम से खड़ी करके, और अगर दिल है आपका कुलचा खाने का या कुलचे के अलावा भी कुछ और खानी है तो बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। बट आज हम स्पेशली यहाँ आए कुलचा खाने के लिए। एक और लैंडमार्क अगर मैं बात करूँ तो ये नॉर्थ आई या फिर गोल्फ सिटी जो है सोसाइटी है यहाँ पे, और इसी की ये कमर्शियल मार्केट है। बाकी चलो बाकी चीज़ें देख लेते हैं। ये है मेन्यू इसका, मोस्टली जो इसमें कुलचा ही है मेन्यू में, बाकी कुछ नहीं है, लिमिटेड सा मेन्यू है, तो आपको जो दिल करे वो कुलचा खा सकते हो। अमृतसर में अगर आपने कुलचा खाया होगा तो आपको पता होगा कितने डिलीशियस जो कुलचे अमृतसर के होते हैं। बाकी आज यहाँ के भी कुलचे देखते हैं, और साथ में ये दो देख सकते हो बंदे, ये एक अमृतसरी कपल है, इनको आज हम अपने साथ लेके आए, अंशुमन प्राशर और ईशा। इन दोनों को आज हम इसलिए लेके आए ताकि ये हमें कंपेयर करके बता सके कि अमृतसरी कुलचे के कंपेयर में इनका टेस्ट जो है कैसा है। अब भैया पड़ोसियों के कुलचे टेबल पे आ गए हैं तो भूख थोड़ी और बढ़ गई है, मुश्किल हो रखा है वैसे कंट्रोल करना, पर किस्मत हमारी अच्छी नहीं थी, आज हमें यहाँ पर लस्सी नहीं मिली क्योंकि न्यू ईयर का दिन है तो लोग थोड़े ज़्यादा आ गए और लस्सी ख़त्म हो गई। हमने क्या ऑर्डर किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला जो कुलचा आया हमारा वो है आलू प्याज का कुलचा। अंशुमन ने रिकमेंड किया था कि इनिशियली आलू प्याज से ही हमें स्टार्ट करना चाहिए, बेसिक और सबसे बढ़िया जो होगा वो आलू प्याज ही होगा। साथ में ये इस तरह के कुछ चने मिलते हैं, छोले जिनको बोल सकते हैं, और ये चटनी एक मिलती है खट्टी खट्टी, और छोलों के साथ इनको मिक्स करके खाओगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। और ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एकदम पास से कि काफ़ी दबा के भरा हुआ है। तो इस आलू प्याज वाले कुलचे का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं, तब आपको जो फीलिंग है इसकी वो बेसिकली अच्छे से दिख जाएगी और आपको आइडिया लग जाएगा कि क्रिस्पी होने के साथ साथ ये फीलिंग भी इसकी कितनी बढ़िया करी हुई है। ये वाला जो कुलचा आप देख रहे हो ये है मिक्स वेज कुलचा, और इसमें आप देख सकते हो कि बाकी गोभी वगैरह भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, पनीर तो नाम मात्र का ही है, बट कोई बात नहीं, टेस्ट आना चाहिए, सब चलता है। बट जो क्रिस्पीनेस है ना उसके भैया 100 में से 100 मार्क्स हैं। ये वाला थोड़ा अजीब सा हो गया क्योंकि ईशा ने खाना स्टार्ट कर दिया था, ये गोभी का कुलचा था, बट मेरे को लग रहा है जल्दी में गोभी की जगह उन्होंने जो मिक्स वाली फीलिंग थी वही दे दी। बाकी टेस्ट में तो देखो अच्छा है। बाकी आप यहाँ आना रहा के बताना कि आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा। मीनवाइल हम जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, और फिनिश करने के बाद आपको मिलते हैं गाड़ी में और बताते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस इस जगह के साथ कैसा। पर आपको फेस एक्सप्रेशन से तो आइडिया तो लग ही गया होगा कि भैया ये जो कुलचा है खाने में लाजवाब है, तो चलिए देख लेते हैं कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। लो जी कुलचा खा के आ गए अब गाड़ी के अंदर वापस, तो एक कंक्लूजन हम बता देते हैं, स्टार्ट करते हैं ममता से। जी बताओ कैसा लगा कुलचा आपको? कुलचा एकदम जबरदस्त था, मैंने ये ऐसे वाला करारा कुलचा ऐसा करारा कुलचा पहली बार खाया है, तो मुझे तो ये बहुत ही डिलीशियस लगा, तो मैं इसको किसी से कंपेयर तो कर नहीं सकती कि अच्छा है उससे या बुरा है कैसा है, लेकिन ये पहली बार मैंने खाया है, एकदम यम टेस्ट था, जबरदस्त था, हैप्पी न्यू ईयर बन गया अपना तो बढ़िया एकदम। हाँ ईशा, ईशा एक चीज़ बता देता हूँ, ऐड ऑन कर देता हूँ पहले, ईशा और अंशुमन दोनों अमृतसर से हैं, तो भैया इन्होंने अमृतसरी कुलचा एक्चुअल में खाया हुआ है वहाँ पे, तो मतलब ये तो बचपन से खाते आ रहे हैं, तो यहाँ वाले का टेस्ट कैसा लगा इनको, इनसे बेटर तो कौन बता पाएगा। 50% तो वहाँ जैसा है, बाकी चने नहीं वहाँ जैसे हैं, क्रिस्पीपन तो वैसा ही है। अच्छे लगे? हाँ 50% अच्छे लगे मुझे, मतलब वहाँ से कंपेयर करके अगर नोएडा से देखेंगे नोएडा के फिर तो 100% ही है, मतलब अच्छा नोएडा पे। हाँ। तो मतलब अगर कोई नोएडा में रहता है उसको रिकमेंड करोगे खाने के लिए? हाँ हाँ जी वो किया ही मैंने रिकमेंड तो किया कि हमारी तो किस्मत अच्छी थी कि हमें लेके भी गए साथ में अंशुमन भाई और ईशा दोनों, भगवान करे सबको ऐसे ऐसे लोग मिले जो उनको रिकमेंड करने वाली जगह लेके जाए, खिला के लाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हाँ जी अंशुमन आपका क्या कहना है? तो मैं थोड़ा ब्रीफ में स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली कुलचे से पहले मैं कल्चर पे आता हूँ थोड़ा, तो ये अमृतसरी कुलचा, अमृतसरी छोले, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको अमृतसरी सुनने में मिलती हैं। ये ऐसा क्यों है कि अमृतसरी कोई और शहर नहीं, इसका रीज़न बताता हूँ मैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो रावी और ब्यास के बीच का जो पानी है, जो मतलब इन नदियों के बीच का एरिया है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर कुकिंग, और वहाँ का जो पानी है वो नेचुरली बहुत अच्छा खाना कुक होता है। सो इसीलिए आपने सुना होगा वर्ल्ड वाइड जो है दो सिस्टर सिटीज़ हैं अमृतसर और लाहौर, दोनों सिस्टर सिटीज़ बोलते हैं इनको, अब तो बंटवारा हो गया तो वो पाकिस्तान में चली गई। सो इनका खाना बहुत अच्छा है कुकिंग के लिए, तो जनरली क्या होता है कि वो टेस्ट अगर आप थोड़ा बाहर आ जाएंगे उस बेल्ट से तो आपको नहीं मिलता,
बट स्टिल उसके बावजूद भी अगर ये 50-60% तक अचीव करते हैं वैसा टेस्ट, सो दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड. बस थोड़ा सा उनको थोड़ी बेसिक चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, सर्विस थोड़ी तेज़ होनी चाहिए और थोड़ा अभी चने थोड़े उस तरह से अच्छे नहीं लगे. अदरवाइज़ जो वहाँ के कुलचे की फ्लेकीनेस है, जो क्रिस्पीपन है, वो दैट इज़ वेरी अमेजिंग. एंड हम प्लान करेंगे कि आपको एक्चुअल जो वो कुलचा है वो भी खिलाएं, और भी वहाँ की काफी ऑथेंटिक चीजें हैं तो हम आपको वो भी खिलाएंगे. मतलब अमृतसर लेके चलोगे? बिल्कुल. तो मतलब वो तो ईशा के हाथ में, इसके हाथ में तो कुछ नहीं, तो ड्राइवर आदमी है मेरी तरह, तो ईशा को हम थोड़ी सी सुपारी और देंगे तो ईशा जल्दी हमें ले जाएगी. बाकी मैं अपना और ओपिनियन बता दूँ, भाई बहुत अच्छा था, टेस्टी, मजा आया, आप ट्राई कर सकते हो. एक छोटी सी रिकमेंडेशन है, आप छुट्टी वाले दिन अगर आ रहे हो ना, तो अगर वहाँ पे आपको टेबल्स फुल रख गए ना, वहाँ पे भी सारे लोग बैठे हैं, तो आप अवॉइड करें तो बेटर होगा. एक दो टेबल खाली हो तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा, मतलब मुझे यूँ लग रहा है कि जो कस्टमर हैंडलिंग का जो सिस्टम है ना उनका, बेसिकली ज़्यादा कस्टमर्स का, तो थोड़ा ठीक सा नहीं है अभी, मे बी इम्प्रूव हो जाए इन फ्यूचर अगर आप आओ तो. लेकिन अगर भीड़ हो तो अवॉइड करना, अगर भीड़ नहीं है वहाँ पे एक दो टेबल खाली, मतलब वीकडेज में आराम से जाके खा सकते हो, वीकेंड पे या फिर कोई फेस्टिवल है, जैसे आज न्यू ईयर था तो आज भी काफी ज्यादा क्राउड था वहाँ पे, तो ऐसे वाले डेज को मतलब अवॉइड करें. जो वीकडेज में है तब अगर आप वहाँ पे जाके खाओगे तो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा अच्छी सर्विस भी मिलेगी और हो सकता है टेस्ट भी थोड़ा ज्यादा इम्प्रूव हो जाए. इनफैक्ट कुछ ये भी हो जाता है कि वीकडेज वीकेंड की भी बात अलग है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज मैं दूसरी या तीसरी बार गया हूँ यहाँ पे. सो जनरली वीकेंड पे भी इतना रश नहीं होता, बट क्या है कि न्यू ईयर था तो सब लोगों ने रात को पार्टी करी है, सुबह उठ के किसी का हिम्मत था नहीं खाना बनाने का, तो सब लोग चलो घूमते फिरते आ गए बाहर. तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, इसकी वजह से ही आज वहाँ पे कुछ ऐसा माहौल था कि मतलब उनको कस्टमर उनसे हैंडल नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कस्टमर थे वहाँ पे, तो इसीलिए जो है ऑर्डर्स डिलेड चल रहे थे. तो आप ट्राई करें, अगर आप ट्राई करते हो तो कमेंट करके प्लीज जरूर बताना कि अगर आप इस जगह पे कुलचा पॉइंट पे कुलचे खा रहे हो तो आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा. तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो ईशा के कहने पर लाइक बटन दबा देना, ममता के कहने पर सब्सक्राइब कर देना, अंशुमन भाई के लिए शेयर कर देना, क्योंकि आप इस वीडियो को प्यार दोगे तभी हमें अमृतसर जाने का मौका, पूरा स्पॉन्सर्ड वीडियो बनेगा एक और मिलते रहेंगे आगे आगे ऐसे इस वीडियो में. और आपने अगर इस जगह पे कुलचे खाए हैं तो कमेंट करके जरूर बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. थैंक यू सो मच. हैप्पी न्यू ईयर. बाय बाय. हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन. बाय बाय. एक सेकंड, स्पेशल गेस्ट से हैप्पी न्यू ईयर ले लो भाई. आना इधर, कहाँ गई? हैप्पी न्यू ईयर. बाय बाय.